हाँ बैठे किस लिए, रोजगार के लिए बैठे हैं ना, तो इस विषय में उन्होंने ना बात करी ना सामने आए, तो लापता ही तो कहेंगे किया गया हमें। हाँ। बार बार भ्रमित किया गया हमें, ये नहीं मालूम था कि भविष्य हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा, जिस तरह का दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया, सौतेला व्यवहार। आज इन्हें डिजास्टर याद आ रहा है कि डिजास्टर में फोर्स काम करेगी, इन्हें वो टाइम वो डिजास्टर याद नहीं आता जब एक महिला सुरक्षा बस में चल रही है, उसे जेब कतरे या कोई और परेशान कर रहा है, हम खड़े रहते हैं वहाँ पे। आज ये हवाला देते हैं सीसीटीवी का, क्या सीसीटीवी कैमरा एक ह्यूमन जो काम है वो कर सकता है? अगर कोई हमारे सामने कोई हादसा हो रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, किसी की पिक पॉकेटिंग कर रहा है, उसे मैनुअली रोका जा सकता है। सीसीटीवी में क्या देखोगे आप कि आपने, हाँ भाई ये इस बंदे ने किया है, ढूंढते रहो फिर उसे, फॉर्मेलिटी नहीं करने। हमारे साथ साथ उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ, उन बच्चों के साथ जिनकी सेवा में हम तत्पर तैयार रहते थे, बहुत ही बड़ा छल, बहुत ही बड़ा धोखा किया है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली सचिवालय में। यहाँ मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, हाथों में पोस्टर लेके खड़े हुए हैं और लापता लिखा हुआ है और केजरीवाल की फोटो बनी हुई है इस पे। क्या इनकी समस्या लेके ये लोग यहाँ पे आए हैं और एक महीने से ज्यादा बता रहे हैं कि हो गया है इनको बैठे हुए इस आंदोलन में, तो इन्हीं से ही बातचीत करते हैं। मैम, क्यों ये हाथ में पोस्टर लेके खड़ी हुई हैं आप? क्योंकि इतने दिन से बैठे हैं, अगर नहीं मिल रहा है, बात नहीं हो पा रही है, मीटिंग नहीं हो पा रही, तो लापता ही तो कहेंगे ना। किस चीज़ के लिए लापता कह रहे हैं आप? मीटिंग नहीं हो पा रही, क्यों यहाँ पे हैं? यहाँ बैठे किस लिए, रोजगार के लिए बैठे हैं ना, तो इस विषय में उन्होंने ना बात करी ना सामने आए, तो लापता ही तो कहेंगे। किस चीज़ में आपका रोजगार छीन लिया गया है? हमारा रोजगार था जो हम नागरिक सुरक्षा में जो भर्ती हुए थे, हम पब्लिक सेवा करते थे, महिलाओं की सुरक्षा करते थे, एज ए मार्शल बस में डिप्लॉयड थे, लेकिन इन लोगों ने ना तो हमें रोज़गार को देखा, ना हमारे बच्चों को देखा, ना महिला सुरक्षा को देखा। एक क्षतिपूर्ण आदेश पारित किया जिसका हमें कहीं भी कोई भी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने हमारे साथ साथ उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ, उन बुज़ुर्गों के साथ, उन बच्चों के साथ जिनकी सेवा में हम तत्पर तैयार रहते थे, बहुत ही बड़ा छल, बहुत ही बड़ा धोखा किया है। और हम पिछले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मालदा साथी ने बताया, हम पिछले 28 से 30 दिनों से बैठे हैं, ज़्यादा टाइम हो चुका है हमें, और हम खुली आसमान के नीचे भूखे पेट अपने आप को बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे सभी साथियों के लिए। रोज़गार की हमारी मांग है, जो ऐसा हमारा रोज़गार एक अर्गनल आदेश के बाद हमारा रोज़गार चला गया, वो आदेश हमें, रोज़गार हमें वापस मिले, हमारे बच्चों का भरण पोषण हो। और आप लोग कब से लगे हुए थे इस नौकरी में, जो मार्शल की जो ये नौकरी थी? मार्शल का जो ये नौकरी थी, ये रोज़गार था। हम यहाँ पिछले 5 सालों से लगे हुए हैं, 2015 से भी लगे हैं कुछ लोग, लेकिन जो मेरी भर्ती में उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ हुआ, जब हम लगे गए थे, जिस एक्ट के बारे में बात करते हैं 1968, हमें 3 महीने के लिए डिप्लॉयड किया गया था। अगर ये हमारे साथ उस टाइम भी बोल देते कि 3 महीने बाद आप जा सकते हैं, अपना रोजगार देख सकते हैं, तो हम सभी भाई सक्षम थे। तो मतलब आप लोगों को भ्रम में भी रखा गया, भ्रमित किया गया हमें। हाँ। बार बार भ्रमित किया गया हमें, 3 महीने के बाद रेगुलर 6-3 महीने और बढ़ा दिया गया पैरोल पे, फिर करते करते 4 साल हो गया, जो हम कंटिन्यू रोजगार कर रहे थे अपना, हम उससे भी वंचित रह गए, क्योंकि हम उसके साथ साथ वो नहीं कर सकते, या तो महिलाओं की सुरक्षा या अपना काम है ये कर सकते हैं, या हम अपना रोजगार कर सकते थे। हमारी आजीविका का जो साधन था वो भी हमने इस नौकरी के बलबूते, ये जो हमें रोज़गार भत्ता मिलता है उसके बलबूते हमने छोड़ दिया। हमें ये नहीं मालूम था कि भविष्य हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होगा, जिस तरह का दुर्व्यवहार हमारे साथ किया गया, सौतेला व्यवहार। केजरीवाल जी CM जब बने थे, इन्हीं हम युवाओं के बीच में आए थे, हमारे ही सहयोग से हम गली गली गए, कूचे कूचे गए, इनके सहयोग से एक CM बने, और आज इस सत्ता के नशे में, इतने मद में, इतने चूर हो गए कि हम लोगों ने दिखाई नहीं दे रहे। तो आप लोगों का फिर खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है, कि आप लोग वो तो मतलब बेरोजगार कर दिया गया है, नौकरी छीन ली गई है सरकार द्वारा? मैम, रोजगार के लिए जैसे हम पिछले 5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली गई थी, वो हमने अपना रोजगार चलाया। हम सिविल डिफेंस कहते हैं हमें, जहाँ कुछ नहीं होता, जहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ हम सर्वाइव करते हैं, बिना पैसे सर्वाइव करते हैं, भूखे पेट सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, दिल्ली नागरिक सुरक्षा वो है जो पब्लिक में, पब्लिक के बीच, पब्लिक से ही निकले हुए, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भाई, उन्हीं के पति जो इस सेवा में लगे हुए हैं। अगर हमारे एरिए में, हमारे ज़िले में, हमारे आसपास कोई हादसा हो जाता है, तो सबसे पहले विद इन ए 5 मिनट पता सूचना मिलते ही, हमें कोई पता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करता, ना कोई हमारा डायल नंबर है, ना कुछ है। अगर हमारे एक सदस्य को पता लगता है, तो पूरी की पूरी यूनिटी हमारी
उस हादसे को कवर करने के लिए पहुंच जाती हैं वहाँ, उसे रेस्क्यू करने के लिए। उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार, हमारे मार्शल ड्यूटी करने के साथ साथ हमारे साथ निष्काम सेवा ली जाती थी हमसे, छठ पूजा में, 26 जनवरी में। अब आप ये बताइए, 8 घंटे 10 घंटे जो आदमी मार्शल का काम करेगा, पब्लिक सेवा करेगा, उसके बाद उसे वहाँ बुलाया जाता था, 6 से 7 घंटे वहाँ दी जाती थी, एक अर्गनल आदेश पारित होता था, बोलते थे अगर आप नहीं आए तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, एक डंडा हमारे सर पर हमेशा रहता था। हम आज ये जानना चाहते हैं, अगर वो टाइम माने व्यतीत किया इस डिपार्टमेंट रहते हुए, अपना काम करते हुए, वो आज कहाँ चला गया? आज इन्हें डिजास्टर याद आ रहा है कि डिजास्टर में फोर्स काम करेगी? इन्हें वो टाइम वो डिजास्टर याद नहीं आता जब एक महिला सुरक्षा बस में चल रही है, उससे जेब कतरे या कोई और परेशान कर रहा है, हम खड़े रहते हैं वहाँ पे, आज ये हवाला देते सीसीटीवी का? अरे कोई इनसे ये पूछे, ये आपने सचिवालय में जहाँ जिसके सामने धरना दे रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी क्यों है? यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है क्या? सीसीटीवी कैमरा एक ह्यूमन को जो काम है वो कर सकता है? अगर कोई हमारे सामने कोई हादसा हो रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, किसी की पिक पॉकेटिंग कर रहा है, उसे मैन्युअली रोका जा सकता है? सीसीटीवी में क्या देखोगे आप कि आपने, हाँ भाई ये इस बंदे ने किया है, ढूंढते रहो फिर उसे, फॉर्मेलिटी नहीं करने। हमने देश सेवा की है, हमने पब्लिक सेवा की है, दिल से की है, हमारे साथ में। आप लोगों को एक कार्ड भी दिया गया होगा कि मार्शल हो आप, इस चीज़ का कोई कार्ड वगैरह भी दिया गया? मैं बताता हूँ मैडम, कार्ड दिया गया, ये हमारा नॉर्मली वे में कार्ड होता है, आई कार्ड जो हमें डिपार्टमेंट रिलीज करता है, बट एक इन्होंने बहुत ही दिमाग वाला, बहुत ही हमें जो है ना गुमराह करने वाला काम किया है। मार्शल जब हमें डिप्लॉय हुए थे वहाँ से लेके आज तक हमें ना तो आईडी कोई प्रोवाइड की गई है, जहाँ डिप्लॉय थे हम, ना वहाँ से ना डिपार्टमेंट की तरफ से। एक ये टेम्परेरी कार्ड दे दिया गया है जिसमें 100 लोगों में से 45 लोगों का कार्ड होगा, 55 अभी भी ऐसे ही है, जिसमें मैं एक ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो आप लोगों ने आगे मांग नहीं करी कि हमें परमानेंट वाला कार्ड दिया जाए, टेम्प्ररी क्यों दे रहे हो आप? मैं मांग भी की, बार बार इस आवाज को उठाया गया, लेकिन क्या कहा गया, फंड नहीं है हमारे पास। लोगों के पास फंड नहीं है, बार बार इस चीज को बोला गया, सर हमें टेम्प्ररी आई कार्ड जो हमारा होता है, हमने डिपो में जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ भी ये बात रखी बार बार, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी एक जो फर्बली आईडी होती है, जो एक अकॉर्डिंग काउंटिंग के हिसाब से वो आईडी दे दी गई, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब डिप्लॉयमेंट लेटर दिया हमें जो इशू हुआ था वो है, उसके बाद अपना कर रहे हैं ऐसी काम। डिप्लॉयमेंट लेटर भी एक खाली लिस्ट बना दी थी सबकी, इतने आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक उस डिपो में जाएंगे, वहाँ से लेके वहाँ तक इस डिपो में जाएंगे। ये हमारा दिल्ली सिविल डिफेंस का कार्ड है, ये हमारा कोई कि जिस विभाग में लगे उसका कार्ड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली सिविल डिफेंस का जो हमें एक आईडी नंबर दिया हुआ है उसके नाम का कार्ड है। अब क्या है, इस आईडी से कुछ नहीं, ये आईडी कुछ नहीं है, ये खाली सिविल डिफेंस तक ही, ऑफिस तक ही सीमित है। अब ये ना तो कहीं डिपार्टमेंट में चलेगी, ना कहीं और चलेगी। अब इस सिविल डिफेंस में आने से पहले मैं 22,000 रुपये की नौकरी करता था, तो हमें बताया गया सरकारी नौकरी हो जाएगी। मैंने अपनी 22,000 की उस टाइम नौकरी छोड़ दी 2018 में ये नौकरी छोड़ गए और सिविल डिफेंस में मैं भर्ती हो गया। उसके बाद मैं 19 में पेड ड्यूटी पे गया, सितंबर 16 सितंबर 2019, तब से हम मार्शल की ड्यूटी करते रहे। अब हमारी सैलरी जो हमको भत्ता मिलता था वो लगभग जोड़ के 23,000-24,000 समथिंग कुछ आता था। जैसे हम आज ड्यूटी गए, कल नहीं गए तो कल की सैलरी हमें नहीं मिलेगी, आज की मिलेगी, आज का भत्ता मिलेगा। उसके बाद केजरीवाल ने आज तक हमें ऐसा भरमाया कि 1968 का जो एक्ट का हवाला दिया है वो एक्ट ये जो हमारे IPS IAS अधिकारी थे जो हमारी भर्ती के दौरान थे उनको पता नहीं था, उनको इस एक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, या दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं थी, या हो सकता है 31 अक्टूबर के बाद मिली हो जानकारी। शायद मैं ये सोचता हूँ कि सरकार को भी इस एक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि 31 अक्टूबर इनको 30 अक्टूबर को इनको एकदम से पता चला, भाई ये तो एक्ट, ये मार्शल से हम ये काम नहीं ले सकते, सिविल डिफेंस ये इसकी पेमेंट ड्यूटी तो कर ही नहीं सकती, पेड ड्यूटी तो कर ही नहीं सकती, इसलिए इनको हटा दो। और 31 तारीख को एकदम से वो लेटर निकाला और ऑर्डर खाली सबके हाथ में नहीं दिया, वो
एक ऑर्डर निकाल दिया 31/10/2023 के बाद आप ड्यूटी नहीं करोगे, आपको निरस्त किया जा रहा है। अब मेरी उम्र 90+ हो गई है, 49+, ठीक है। जब मैं आया था जब मेरी उम्र 43 वर्ष थी इसमें, ठीक है, अब 49+ हो गई। अब मेरे को जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ मैं प्राइवेट नौकरी करता था पहले, मेरे को 18,000 की भी नौकरी दे देगा? जहाँ मैंने सिविल डिफेंस में 7 साल दिए हैं, 6-7 साल दिए हैं, क्या मेरे 6-7 साल वापसी कर सकते हैं? क्या मैंने जो काम किया दिल्ली सरकार के लिए, वो दिल्ली सरकार उसके बदले मेरे को दूसरा काम देगी? ये नौकरी ना दो, कोई दूसरी दे दो। हम ये नहीं कह रहे हमको वही चाहिए, कहीं भी दे दो, लेकिन हमको नौकरी दे दो। अब इन्होंने होमगार्ड में डालने का प्लान बनाया। अब आते आपके पास भी आते हैं, पहले इन महिलाओं से हम लोग बात करेंगे कि जो इनको सरकार ने भ्रमित करा गया है, जो सरकारी नौकरी भी किस तरीके से सरकार ने आपको भ्रमित में रखा, मतलब सरकारी नौकरी का भी वो पक्का नहीं कह सकते हैं, उसमें भी कभी भी निकाला जा सकता है। मैडम भ्रमित में तो रखा नहीं था, सच्चाई तो ये है। एक तरीके से मतलब कहते हैं ना, भ्रमित हुआ कैसे, राजनीति कैसे हुई वो हमें खुद नहीं पता, लेकिन हम राजनीति पार्टी के नहीं हैं, ना हम कोई वोट बैंकिंग है। क्योंकि जब हम समर्थन के लिए, जैसे कहते हैं ना कि कभी भी ड्यूटी मिलती है, निष्काम ड्यूटी मिलती है, तो वो कोई एक पार्टी विशेष की नहीं होती, वो जितने भी हैं देश के लिए होता है, भारत के लिए होता है, ठीक, तो इस चीज़ के लिए होता है, दिल्ली के लिए होता है। दिल्ली में तो दोनों सरकार चल रहे हैं, है ना, केंद्र सरकार भी है और ये स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो ये चीज़ है। और दूसरी बात कि इन्होंने 1968 का कहा है, तो 1968 का जब हम भर्ती हुए थे तब भी था, 30 साल से कोई मैडम जॉब पे हैं, हमारे बीच में ही हैं वो, तो वो तब भी था, तो 30 साल पहले ये सरकार नहीं आए थे और अब आए हैं। तो ये चीज़ है, अगर कोई भी एक्ट होता है, कोई भी मतलब धाराएं चलती है, कुछ भी होता है, तो उनका संशोधन सरकार ही करते हैं और सरकार के द्वारा ही बनता है, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरी बात, जब हमारी जॉब लगी थी, तो ये राज्य सरकार है महिलाओं के लिए फ्री सेवा जारी कर रही है, गरीबों की सरकार बताती है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो आप लोग अभी भी ऐसे आंदोलन पे बैठे हुए हैं? मैडम एक तरीके से ये आंदोलन है, संघर्ष है, पर है ना, कहते हैं ना कि जिस टाइम पे हमारी भर्ती हुई थी, चाहे राज्य सरकार की बोलो चाहे एलजी साहब की बोलो, ये एलजी साहब जब से आए हैं तब से हमारे बीच में मतलब ऐसा हुआ है कि कभी ना कभी सिविल डिफेंस पे ही कुछ ना कुछ होता है, और मुझे नहीं पता कि भाई किस चीज़ के लिए हुआ है, क्या है, उनका तो अपना मैटर है, लेकिन ये चीज़ है कि जब हमारी भर्ती हुई थी ना, तो उस टाइम की प्रक्रिया से हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरीके से भर्ती करी थी, ऐसा लग रहा था पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करा गया था, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट भर्ती होती है कि मतलब हम फौज में जाते हैं, दिल्ली पुलिस में जाते हैं, या किसी भी चीज़ में, सेम वैसे ही, बस ये है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था, बाकी सारी प्रोसीजर हुई थी, फिजिकल, मेडिकल, हाइट वाइट, हाइट में भी इन्होंने मतलब पॉइंट में कैसे कैसे करके मतलब ठोकते थे, सिर पे ठोका था कि बोलते थे अगर पॉइंट में, जैसे हमने ऑब्जेक्शन उठा दी कि हमारी तो इतनी है, तो कहते थे नहीं, ये मतलब होता है कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपके नीचे करके लेते हैं, ठीक, जैसे कि ये किसी का 5'2" है तो उसको 1 कर देंगे, 3 है तो उसको 2 या 1 कर देंगे, ऐसे करते थे। तो इस तरीके से तो हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये है कि जो नौकरी इन्होंने छीनी है ना, तो इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था वो सरकारी था, और वो कोई जो हमारा जो इंटरव्यू लिया था ना जिस टाइम पे, तो वो कोई मतलब किसी कंपनी के एचआर नहीं थे, कोई बिजनेसमैन नहीं था, वहाँ पे अधिकारी लोग बैठे थे, वो जो देश को चलाते हैं, कानून को चलाते हैं, आईएएस अधिकारी थे, और उन्होंने, और जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट है, जो कि मतलब राज्य सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर जो भी आते हैं, एमसीडी वगैरह जितने भी 39-40 डिपार्टमेंट है, उसके बाद जाके फिर जो थे वो आईएएस ऑफिसर, जिसमें एसडीएम हो गए, एडीएम हो गए, डीएम हो गए, और फिर जो हमारे डीसीडी के डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं हेड आईसीडी सर, मतलब ये सब होते थे वहाँ पे, हमारी इंटरव्यू होती थी, तब जाके हमारी मतलब उसके बिहाफ पे हमारी उन्होंने भर्ती करी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन लोगों ने, इनकी जो मांग है वो मेन जो मांग है इनकी रोजगार की है, कि इनका रोजगार छीन लिया गया है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, और 12 लोग इनके शहीद भी किए जा चुके हैं, और जो लंगर ये लोग लाते थे गुरुद्वारे से वो भी सरकार द्वारा रोक दिया गया है। अब इन्होंने ये भी बताया कि अगर सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो अनिश्चितकालीन तक ये लोग अपना आंदोलन चलाएंगे। अब देखते हैं सरकार इनकी कब तक सुनती है।
बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता आवाज।